Assalamualaikum, welcome to Delhi Style Recipe. आज Delhi Style Recipe में मैं आपके लिए लाई हूँ मटन अचारी बनाने की रेसिपी. इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन ये 600 ग्राम गोश्त है. ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे मैंने काट लिया है, इसे हम अभी फ्राई करेंगे. इसके अलावा ये मैंने आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च और एक चम्मच मैंने इसके लिए धनिया लिया है. इसके अलावा ये अचारी मसाला है, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है. ये 3 चम्मच लिया है, ये तकरीबन 3 चम्मच जो है लहसुन है ये. इसके अलावा ये 100 ग्राम दही है. ये टमाटर हैं, ये 4 बड़े टमाटर हैं, इनको पीस लेना है आपने अच्छी तरीके से. और ये 2 नींबू का रस है. इसके अलावा ये 2 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी ले ली है मैंने, इसको इस तरीके से आपने बीच में चीर लेना है. ये जो आप साइड में अचारी मसाला देख रहे हैं, मैं इसमें ये नींबू का रस डाल के और इनको मिर्चों में भर के बाद में जो है सालन में पत्ते में रखूँगी. अब हम सबसे पहले जो है प्याज फ्राई करेंगे. रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने और अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी. अभी प्याज फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे. प्याज अभी फ्राई हुई नहीं है, थोड़ा इसको टाइम लगने वाला है फ्राई होने में. प्याज फ्राई हो गई है और अब मैं इसमें लहसुन डाल के फ्राई करूंगी. तो लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा, तो लहसुन की बदबू भी निकल जाएगी. फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डाल के इसकी भुनाई करूंगी. ये देखिए भुनने वाला है. ये खुशबू आने शुरू हो गई लहसुन में से और अब मैं इसमें ही बाकी के मसाले डालूंगी, जैसे कि टमाटर. ये सारे मसाले डाल के मैंने खट्टे ही भून लेने इसमें हैं. ये हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और ये जो 4 गोश्त का मसाला मैंने अचारी मसाला निकाल के रखा था, इसे भी मैं डाल रही हूँ. उसके साथ ही मैं इसमें दही भी डालूंगी. ये दही पतला है थोड़ा, आपको हो सकता है देखने में ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं है. और अब हम ये करेंगे कि इसकी जो है पहले इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे, फिर इसको गोश्त डाल के इसके अंदर हम जब इसको बंद करेंगे. चिकन अचारी जो मैंने बनाया था उसमें आपने देखा होगा मैंने सारा मसाला और डाल दिया था चिकन भी साथ में, लेकिन हम चूँकि आज बकरे का गोश्त बना रहे हैं इसलिए हम साथ में नहीं डालेंगे, क्योंकि चिकन जो है नाजुक होता है, इसलिए हमने सारा सब मसाले वसाले साथ में डाल दिए थे. लेकिन गोश्त गलने, बकरे का गोश्त गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले मसाले की भुनाई करूँगी. और अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से जो अचार का जो मसाला है वो हरी मिर्चों में भरूँगी. ये अचार का जो मसाला मैंने थोड़ा सा मिर्चों के लिए निकाल के रखा था, मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ. इससे नींबू का जो रस है इससे भी जो है खट्टापन बढ़ जाएगा सालन में. चलो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी तकरीबन 1/4, थोड़ी मिर्च और इसमें थोड़ा हम नमक भी मिलाएंगे, नहीं तो मिर्चें फीकी फीकी लगेंगी. एक चौथाई चम्मच ये नमक है. नमक जो है मैंने सालन में कम डाला था. ये जो नमक मैं डाल रही हूँ ये मसाले को जो है नमक को जो है सालन के अंदर वो बैलेंस कर देगा. खाली अचार का मसाला मिर्चों में ना भरें, नहीं तो वो मिर्च अंदर से फीकी निकलेंगी. ये वही अचार का मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है पहले. यही जो है आप और भी चीज़ों में डाल सकते हैं, जैसे कि अचारी बैंगन है, अचारी मिर्च हैं, अचारी और भी कोई चीज़ अगर आप बनाना चाहें अचार की, तो ये मसाला सेम ही रहता है, इंग्रेडिएंट्स के सेम ही रहते हैं. ये मैंने इसमें भर दिया है और अब मैं इसको जो है जब सालन हमारा पक्का हो जाएगा यानी कुकर खोलने के बाद, उसके बाद मैं इसको रखूँगी. मसाले की भुनाई मैंने कर दी है और अब मैं इसमें जो है ये गोश्त डालने जा रही हूँ. और अब ये जो मेरे पास देखिए छोटे साइज़ का जग है, ये मैं आधा जग पानी डाल रही हूँ इसमें.
और अब इसके बाद मैं जो है 10 मिनट के लिए इसको कुकर को बंद करूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके खोल के दोबारा से भुनाई करेंगे। ये मैंने सीटी लगा दी, जब सीटी बोल जाएगी तो मैं 10 मिनट के लिए आँच हल्की कर दूंगी। 10 मिनट हो गए थे गोश्त को गलते हुए और मैंने कुकर खोल दिया है और अब ये देखिए इसके अंदर अच्छा खासा शोरबा है। पहले मैं शोरबे की भुनाई करूंगी, फिर हम इसके बाद इसको सर्व करेंगे। अचार गोश्त का सालन जो है ये पूरी तरीके से भुन चुका है और ये मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी थी और अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। मटन अचारी मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।